जय जगन्नाथ बंधुगण, आपण माने जानती जे आमर नवरात्र पालन पर्व 3 अक्टोबर ठारु आरंभ हेबाकु चाउछि एवं एही पर्व आम हिंदू मानक पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। सबु हिंदू माने मिलिमिशी अति आडंबर सहित एवं धूमधाम रे एही नवरात्रि को पालन करिथांती एवं आपण माने जानती जे विदेश रे मध्य माँकर पूजा अर्थात एही नवरात्र को धूमधाम रे सहित पालन करा जाउ अछि। तेबे एही नवरात्र रो महत्व हेउछि एही नवरात्र रे माँ दुर्गा धरा पृष्ठ को अवतरण करिथांती एवं निज भक्त मानकर सब मनस्कामना को पूरण करिथांती। जेउं व्यक्ति माँ दुर्गा को भक्ति भावर सहित पूजा करिथाय तांकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती, से तांकर भक्तर सबु इच्छा को पूरण करिथांती। एथिरे जेउ 9टी दिन रहिथाय सेथिरे माँ दुर्गांकर 9टी रूप को पूजा करा जाय थाए एवं माँ दुर्गांक आशीर्वाद आपण को प्राप्त होय थाए। बंधुगण, तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपण को जेउ 24टी संकेत विषय रे कहिबाकु जाउछि, जदि सेही 24टी संकेत मध्यरु आपण को भी किछि संकेत प्राप्त होय थाए तेबे आपण जानि नियंतु आपणकर खराब समय शेष हेबाकु जाउछि, आपणकर भल दिन आरंभ हेबाकु जाउछि। तेबे बंधुगण, वीडियो आगकु बढ़िबा पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु, जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करिनाहंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधुगण, जानिनेबा सही 24टी संकेत विषय रे, तेबे प्रथम संकेत हेउछि आपण माने जानती झाड़ू को माँ लक्ष्मी प्रतीक बोली मानती, तेबे आपण जदि कौनसी कार्य बाहर को जाउछंती एवं गल्ला बेले रास्ता रे देखुछंती जे कौनसी व्यक्ति रास्ता रे झाड़ू लगाउछंती, तेबे आपण बुझी जानतु जे आपणंकु माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्त हेबाकु जाउछि, आपणंकु धन लाभ हेबा सहित आपणंकु पारिवारिक सुख शांति प्राप्ति हेबाकु जाउछि। द्वितीय रे आपण घरु बाहरी केउ आडे जाउछंती एवं जीवा समय रे 16 श्रृंगार करुथिबा नुआ बहुटी आपणंकु देखा दिए, तेबे आपण बुझि जानतु आपणंक सहित किछि भल घटना घटिबाकु जाउछि, आपणंक सहित किछि शुभ हेबाकु जाउछि एवं विशेष करी गुरुवार दिन आपण बाहर को जीवा समय रे देखंती कौनसी एक कुंवारी कन्याटिए हळदिया वस्त्र पिंधिछि, तेबे आपण बुझि जानतु आपणंकु धन लाभर संकेत प्रदान करुछि। तृतीय रे आपणंक गृह रे आपणंकु कौनसी स्थान रे तीनोटे झिटिपिटी को एका सहित देखंती, तेबे एहा आपणंकु धन प्राप्तिर संकेत देथाए। आपणंक गृह रे धन संपत्ति वृद्धि हेबार आपणंकु एहा संकेत देथाए। एहा व्यतीत जदि दीपावली दिन आपणंकु विशेष भाबरे तुलसी गछ मूळरे गोटिए झिटिपिटी देखा दिए, तेबे एहा अत्यंत शुभ बोली माने निया जायथाए। जदि मात्र गोटिए रु अधिक झिटिपिटी आपण तुलसी गछ मूळरे देखंती, तेबे एहा आपणंकु भविष्यतरे अशुभ संकेत प्रदान करिथाए। चतुर्थरे जदि महिला मानंकर बाम हात एवं पुरुष मानंकर डाहाण हात हठात कुंडाई हेबाकु लागे, तेबे एहा मध्य धन आगमनर संकेत देथाए। पंचमरे बंधुगण, आमे बिलेई कांदिबाकु अशुभ बोली मानिथाउ, मात्र कौनसी व्यक्तिंकर गृहरे बिलेई जदि निज पिलाकु जन्म देथाए एहा अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। जेउ व्यक्तिंक घरे बिलेई निज पिला जन्म देथाए सेही घरकु अति शीघ्र माँ लक्ष्मीकर आगमन होइथाए एवं माँ लक्ष्मीकर स्थायी बास मध्य होइथाए।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ସେହି ଗୃହର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଦ ଏବଂ ଆମିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ଶରୀରର କିଛି ଅଙ୍ଗ ଡେଇଁବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାହୁର ମଝି ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଇଁଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଗାଲ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ କାରଣ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ଏହି ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ନବମରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେପରିକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଉସ୍ତ ଗଛ ବରଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦଶମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ଧନ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ଥାଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହରାଭରା ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଫୁଲ ଫଳ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଗାରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅଚାନକ ଶୁଆ ଆସେ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଥାଏ କାରଣ ଶୁଆକୁ କୁବେରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯଦି ଅଚାନକ ଶୁଆ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଧଳା ପାରା ଆସିଯାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବାରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବା କୌଣସି ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଧନ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ସେହି ଚଢ଼େଇର କୌଣସି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ପରିଣାମ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଗଣାରେ କବାଟରେ କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ
कला पिंपुड़ी देखा जाती किंबा विशेष रूप से आपण देखती जे कला पिंपुड़ी माने गोल घेरा बनाई बुलुचंती तेबे एहा आपणको स्पष्ट संकेत प्रदान करिथाय जे आपणको गृह को माँ लक्ष्मीकर आगमन हेबाकु जाउछि। 14 रे एपरी मान्यता रहिछि जे जदि कोनोसी व्यक्तिक उपरे कोनोसी भी पक्षी मल त्याग करिदिए तेबे से अत्यंत भाग्यवान होइथांती। तेबे जदि आपणको उपरे कोनोसी पक्षी मल त्याग करे तेबे एहा मध्य आपणको शुभ संकेत प्रदान करिथाए एवं आपण बाहर को जीवा समय रे जदि कोनोसी व्यक्ति को जलपूर्ण पात्र धरिथिबार देखंती तेबे एहा आपणकर भविष्यत पई आपणको शुभ संकेत प्रदान करिथाए। 15 रे आपण माने जानंती जदि आम घरे काउराबे तेबे एहा आम घर को अतिथि आसीबार संकेत देइथाए। सेही परी आपण सकाळु उठु उठु कोइलीर मधुर कोकिल स्वर शुणंती तेबे एहा आपणकु धन प्राप्तिर संकेत देइथाए। 16 रे धार्मिक मान्यता अनुसारे जदि कौनसी व्यक्तिंकर मुख्य द्वार पाखकु गोमाता आसंती एवं जोर जोर रे हांबा रड़ी करिबाकु लागंती तेबे एहा अत्यंत शुभ संकेत प्रदान करिथाए। एहा आपणक घरे धन संपत्ति सुख समृद्धि ऐश्वर्य एही सब वृद्धि हेबार संकेत देइथाए। एहा आपणकु माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्त हेबार संकेत देइथाए। एहा विशेषरे घरर मुख्यंक पई अत्यंत शुभ संकेत होइथाए एवं एहार शुभ फळकु अत्यंत रूपरे प्राप्त करिबा पई सेही गोमातांकु किछि ना किछि खाइबाकु दियंतु। विशेष करि आपण रुटी खाइबाकु देले एहा अत्यंत शुभ होइथाए। एहा व्यतीत सकाळु उठु उठु आपणकु मंदिरर घंटी भजन कीर्तन किंबा शंख ध्वनि शुणिबाकु मिले एहा मध्य आपणकु शुभ संकेत प्रदान करिथाए। 17 रे जदि बिना कौनसी कारण रे आपणकु खुशी अनुभव हुए आपणकु भीतररु एपरि लागे जे आपण अत्यंत भाग्यशाली अटंती आपण सबुठारु खुशी व्यक्ति अटंती। एहा बे आपणकु सौभाग्य हेबार संकेत प्रदान करिथाए। 18 रे आपण माने जानंती जे पेचाकु मा लक्ष्मीकर बाहन बोली माना जाइथाए। जदि आपणकु दिनरे कौनसी भी स्थानरे पेचा देखा दिए तेबे एहा आपणकु धन प्राप्ति हेबार संकेत प्रदान करिथाए। 19 रे कैंचकु भगवान विष्णुंकर अवतार बोली माना जाइथाए। कैंचटि अत्यंत शुभ होइथाए कारण भगवान कैंच अवतार ग्रहण करिथांति। जदि आपणकु स्वप्नरे मध्य कैंच देखा दिए तेबे आपणकु सौभाग्य प्राप्ति हेबार एहा संकेत देइथाए। स्वप्नरे कैंच देखा देबा आपणकु निजर भाग्य खोली जिबार संकेत देइथाए। 20 रे आपण रास्तारे जाउथिबा समयरे कौनसी मुद्रा किंबा घोड़ार नाळ किंबा चारिटिकिया पत्रवाला बेलपत्र आपणकु मिली जाए तेबे ताकु संभाळिकि रखिबे कारण एहा आपणक बंद होइथिबा भाग्यर तालार चाबी अटे जाहाद्वारा आपण निजर बंद होइजाइथिबा भाग्यकु खोली पारिबे। जदि आपणकु रास्तारे पडिथिबा घोड़ा नाळ मिली जाए तेबे आपण अत्यंत भाग्यवान अटंती कारण एहा खूब कम लोकंकु ही प्राप्त होइथाए। तेबे मने रखंतु जदि शनिवार दिन एही घोड़ा नाळ प्राप्त हुए तेबे एहाकु निज साथीरे कदापि आणिबे नाही। शनिवार व्यतीत अन्य दिन गुड़िकरे आपणकु रास्तारे घोड़ा नाळ मिली जाए तेबे ताकु निज साथीरे निश्चय आणिबे। 21 रे जदि आपणक घरर अगणारे किंबा आपणक घरर बालकोनी रे घर चटिया चढ़ी आसी बसे किचरी मिचरी करिबाकु लागे तेबे एहा आपणक धन संपत्ति रे वृद्धि एवं परिवारर मध्यरे भल पाइबार संकेत देइथाए।
तेबे बंधुगण एहा त थिला सेही 21 टी संकेत जहाँ आपणकर सौभाग्य प्राप्ति हेबा पूर्वरु आपणकु प्राप्त होइथाय आपणक गृह को मां लक्ष्मीकर आगमनर एहा संकेत देइथाय। तेबे बंधुगण आशा करूछि आजिर एही वीडियोटी आपण मानकु निश्चय भल लागिथिबो। जदि भल लागे ताहाले वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां दुर्गा जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। धन्यवाद।